नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। आज 5 अक्टूबर 2023 को बिष्टपुर थाना प्रांगण में जमशेदपुर पुलिस पूर्वी सिंहभूम द्वारा बरामद मोबाइल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पुलिस द्वारा कदम उठाते हुए विभिन्न स्थितियों व परिस्थितियों में छिनताई व खो जाने के क्रम में सफलता पूर्वक मोबाइल फोन बरामद किए गए एवं 285 मोबाइल फोन उनके वास्तविक ओनर को सौंपा गया। इस समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री कौशल किशोर, ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग, DSP अनिमेश गुप्ता, क्षेत्रीय थाना प्रभारी सहित अन्य आरक्षण पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम के बारे में ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग ने मीडिया को संबोधित करते हुए दी जानकारी। साथ ही SSP कौशल किशोर ने भी जनता को अपने हर विकट परिस्थिति में पुलिस बल की सहायता देने का आश्वासन दिया। प्रकार की पहल हम लोग आगे भी जारी रखेंगे और हमारे सभी थाना प्रभारी जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है वो सभी बधाई के पात्र हैं और उनके सभी टीम को भी हम लोग इस चीज को वापस से एक बार इंगित करना चाहेंगे कि वो इस क्षेत्र में और लगातार कार्य करते रहे, क्योंकि मोबाइल अभी के समय में सभी के पास एक जरूरी उपकरण है और उसके खो जाने से बहुत बार हम लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। काफी सारा डेटा, इवन आपकी बैंकिंग की बहुत सारी डिटेल्स भी उसमें होती है जो कि गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाए तो उससे काफी आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आगे भी जमशेदपुर पुलिस इस प्रकार की सकारात्मक पहल करती रहेगी और हम लोग अपने शहरवासियों, नगरवासियों के लिए इसी प्रकार का कार्य आगे भी करने में सफल रहेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित SP ग्रामीण, DSP CCR, तमाम DYSP और थाना प्रभारीगण, यहाँ उपस्थित सभी नागरिकगण, सर्वप्रथम आप सबको मैं बधाई भी देना चाहूँगा कि जमशेदपुर पुलिस के द्वारा जो एक प्रयास किया गया है और लंबे समय से कह सकते हैं कि ये प्रयास चल रहा है और एक तरीके से ये छठा चरण है। इसके पहले 5 चरण पहले भी पूरे हुए हैं जिसमें कि तकरीबन 1434 टोटल मोबाइल फोन हम लोगों ने अभी तक रिकवर किया है और आज के दिन हम लोग लगभग 285 मोबाइल फोन जो बरामद हुए हैं वो आपका फोन ही है जो वापस आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में मोबाइल की जितनी अहमियत है किसी से छुपी नहीं है और एक बार अगर फोन चला जाए, एक बार मैंने भी अपना फोन खोया है तो उसके बाद कितना कष्ट होता है इसका सहजता से अंदाजा लगाया जा सकता है और दोबारा फोन मिल पाना बहुत मुश्किल का। कई बार हमारे भी परिवार में फोन गया और बहुत कोशिश के बावजूद उस फोन को हम लोग रिकवर नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि आप सब इस मामले में कहीं ना कहीं लकी हैं कि हम लोगों ने प्रयास किया और वो प्रयास रंग भी लाया।